वेलकम बैक दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी करेंसी वैल्यू की। जैसा कि यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं, हमको पता है कि ये हमने रुपीस में लिखे हैं, पर सामने वाली पार्टी को अगर हम किसी और को भेजें तो वो कैसे गैस करेंगे कि ये हमने रुपीस में लिखे हैं, डॉलर में लिखे हैं या किसी और करेंसी में लिखे हैं। तो हम इसमें करेंसी कैसे ऐड कर सकते हैं दोस्तों? तो करेंसी ऐड करने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले वो सब चीजें सिलेक्ट करनी है जहां पे आपको करेंसी अपनी ऐड करनी है। तो हमने यहाँ पे ये सब नंबर सिलेक्ट कर लिए हैं। अब ऐड करते हैं हम इसमें करेंसी अपनी। अब करेंसी कैसे ऐड करेंगे? तो अगेन आपको होम सेक्शन में आना है। होम सेक्शन में आने के बाद आपको ये यहाँ पे नंबर बार में आना है। तो इससे हम पहले भी एक बार हमने यूज किया था, नंबर बार हमने अपनी डेट सेट करने के लिए यूज किया था अगर आपको याद हो तो। अगेन हमको नंबर बार में आना है और साइड में आपको यहाँ पे ये फर्स्ट आइकॉन दिख रहा है, ये है हमारा करेंसी का आइकॉन। ये अकाउंटिंग फॉर्मेट का है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको रुपीस करेंसी सेट करनी है जो हमारी इंडियन करेंसी है वो। अगर आपको यूनाइटेड स्टेट की डॉलर करेंसी सेट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम की अगर आपको डॉलर करेंसी सेट करनी है वो कर सकते हैं। यूरो, चाइनीज, जो करेंसी आपको यहाँ पे चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों हम इंडियन रुपीस यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इंडियन रुपीस हमने सिलेक्ट कर दिया है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबका सब अब इंडियन रुपीस में आने लगा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहले सिर्फ नंबर लिखे थे तो वो कैसे लग रहे थे, और जब वो नंबर किसी एक रुपीस के फॉर्मेट में आ चुके हैं तो वो दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एक स्लैश स्लैश एक एरर आई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एरर कब आती है। ये एरर तब आती है दोस्तों जब हमारा जो नंबर है वो इस ब्लॉक में फिट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमें ये एरर कैसे सॉल्व करेंगे, हमको सिंपली ये जो कॉलम है उसे थोड़ा सा रिसाइज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा दोस्तों। थोड़ी सी इंक्रीज करते ही ये हमारी वैल्यू इसके अंदर फिट हो चुकी है गाइस। तो एक और चीज दोस्तों जो मेरे को इसमें अच्छी नहीं लग रही है वो ये है कि ये बहुत सारे इसमें रुपीस 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 दिख रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ, और बहुत सारी जगह ये रूल भी है कि हमारे जो भी टेबल होता है या कहीं भी अगर हमारे टॉप में जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो रुपीस में हो और टोटल वैल्यू रुपीस में हो तो ऑटोमेटिकली सब गेस करते हैं कि जितनी भी बची हुई वैल्यू होती हैं वो रुपीस में ही होती हैं दोस्तों। तो ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें टॉप और लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ के जितनी वैल्यू ये बचती हैं उन सबको हमें सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे दोस्तों एक आपको थर्ड नंबर पे कॉमा स्टाइल का आइकॉन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको एक क्लिक करना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी फर्स्ट वैल्यू रुपीज में है, लास्ट वैल्यू रुपीज में है। तो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा कि जितनी भी वैल्यू है वो रुपीज में है। ये दोस्तों मेरा सजेशन है, अगर आपको पहले वाला ऑपरेशन ज्यादा अच्छा लगता था तो आप वो यूज कीजिए, बट मुझे यहाँ पे ये थोड़ी भीड़ भाड़ कम होती है तो दिखने में प्रेजेंटेशन मुझे ज्यादा अच्छी लगती है दोस्तों, तो मैं पर्सनली इसे रिफर करता हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज पहले वाला जो ऑप्शन था उसे भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप भी ट्राई कीजिए, अपने नंबर्स में करेंसी सेट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा, कैसे अच्छा लगता है। सब में करेंसी में रुपीस रुपीस आगे लिखा हो वो अच्छा लग रहा है, या फिर जैसा मैंने यहाँ पे सेट किया है वो आपको ज्यादा पसंद आ रहा है। तो चलिए दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी आपसे हमारी अगली क्लास में।